10 मई भगवान परशुराम की जयंती मनाते हुए सर्व ब्राह्मण समाज ने भिलाई में भी जगह जगह कई आयोजन किए। इसी कड़ी में न्यू जागृति युवा ब्राह्मण मंच भिलाई के बैनर तले सेक्टर 8 चौक पर भी भगवान परशुराम की पूजा अर्चना के पश्चात प्रसाद स्वरूप हलवा एवं शरबत का वितरण किया गया। 10 मई को सर्व ब्राह्मण समाज के आराध्य देव भगवान परशुराम के प्राकट्य उत्सव एवं अक्षय तृतीया के शुभ मुहूर्त पर सर्व ब्राह्मण समाज द्वारा भिलाई शहर में भी विभिन्न आयोजन किए गए। इसी कड़ी में न्यू जागृति युवा ब्राह्मण मंच के बैनर तले सरयू पारी ब्राह्मण समाज एवं अन्य ब्राह्मण समाज के द्वारा मिलकर सर्वप्रथम भगवान परशुराम की पूजा अर्चना विधि विधान से की गई। तत्पश्चात प्रसाद स्वरूप हलवा एवं ठंडे शरबत का वितरण आम जनमानस में किया गया। आयोजकों द्वारा बताया गया है कि ग्रीष्म ऋतु में अक्षय तृतीया के दिन जल का दान करना चाहिए, जिसके फलस्वरूप भगवान परशुराम के प्रसाद सहित मीठे शरबत का वितरण किया जा रहा है। भीषण गर्मी में आवाजाही कर रहे राहगीरों ने भी रुक रुक कर प्रसाद ग्रहण कर अपने सूखे कंठ को तर किया। आयोजकों ने इस आयोजन का उद्देश्य मीडिया के समक्ष इस प्रकार साझा किया। हमारे ब्राह्मण समाज द्वारा भगवान परशुराम का पूजा अर्चना करने के बाद में हम लोगों ने यहाँ पे प्रसाद वितरण कार्यक्रम रखा है, जिसमें जल से संबंधित मेरे सभी बड़े भाइयों ने बताया। तो मैं ये भी चाहता हूँ कि हम लोग तो जल वितरण कर ही रहे हैं, लोगों को पिला रहे हैं, हम पक्षियों को भी जल दें। पशुओं के लिए भी घर के सामने जल रखें और पक्षियों के लिए भी ऊपर में अपन थोड़ा सा जल रख दें पेड़ पौधे किनारे, और जल को अपन जीत हम तो सबको पिला ही रहे हैं शायद, और जल को अपन जितना जितना बचाएं वो अच्छा होगा हमारे लिए। आज भगवान हमारे आराध्य देव भगवान परशुराम जी का प्राकट्य दिवस भी है और साथ में अक्षय तृतीया भी है। अक्षय तृतीया में जैसा कि महत्व दिया गया है कि जल जो है, चूँकि ग्रीष्म ऋतु में जल का महत्व बहुत ज़्यादा हो जाता है और साथ में अक्षय तृतीया के दिन जल का दान करना, ये हमारे छत्तीसगढ़ में भी है और अदर प्रांतों में भी है कि इस दिन जल का दान करने से जो है मन का शांति मिलता है, मन को तृप्त होता है। और इस दिन हम लोग जो है प्रति आज हम लोग 15 साल हो गए इस कार्यक्रम को निर्वाह करते हुए। पहले हम सेक्टर 5 में करते थे, क्योंकि कोरोना काल था इसलिए उसमें थोड़ा सा ब्रेक लग गया और इस बार हम लोगों ने यहाँ पर प्रारंभ किया है। भगवान परशुराम का पूजा अर्चना की गई ब्राह्मण समाज के भवन में और तत्पश्चात यहाँ पर प्रसाद स्वरूप हलवा का वितरण हो रहा है, साथ में जल के वितरण के स्वरूप में शरबत बांटा जा रहा है। भिलाई शहर के सर्व ब्राह्मण समाज ने एक बार फिर ये साबित कर दिया है कि भिलाई शहर इस देश का सबसे खूबसूरत शहर है, जहाँ हर मौके पर छोटे बड़े आयोजन करके भाईचारे का मिसाल दी जाती है। ACN News के लिए संतोष शर्मा की रिपोर्ट।